हेलो गाइस, वेलकम टू सीएचडी। माय सेल्फ चेतन सिंह। अच्छा, ये टाइप का या ये सीरीज का बेसिकली लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट का देखो क्या है। इंटीग्रेशन UVDX, यू इंटीग्रेशन ऑफ VDX माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ VDX, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या यू वी रूल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कैसा मानना है, लीनियर यूज करना है। हाँ देखो, लॉगरिथमिक एल फॉर लॉगरिथमिक, आई इनवर्स, एल्जेब्रिक टेक्वो और एक्सपोनेंशियल। हाँ, या फिर मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊँ, अगर आपको डी एट याद है तो सिंपल थिंग बोलूँ, जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म होता है ना उसको यू बोलो। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म होता है उसको यू लेने का, ठीक है। जैसे अभी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और कॉस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जल्दी खत्म होता है ना। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या है, तो क्या आएगा 2, और उसके आगे 0 ना, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ, बट कॉस एक्स साइन इस खेलते रहेगा, चलते रहेगा जन्म पर, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखो। तो एक और है यहाँ लिए तो ना लगता है, ठीक है। हाँ, तो लिए के हिसाब से क्या यू लेने का ना, यू का प्रेफरेंस है, ठीक है। हाँ, अभी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e^x f(x) + f'(x). हाँ, तो अगर e^x ब्रैकेट में देखो f(x), इसका डेरिवेटिव तो आंसर आएगा e^x f(x) + c। नेक्स्ट देखो पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, अभी पार्शियल फ्रैक्शन में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो नहीं कर सकते, इफ डिग्री ऑफ यूनिट इज ग्रेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर लेस है तो लॉन्ग डिवीजन करो, फिर ये फॉर्मूला इसको फ्रैक्शन इज इक्वल टू q r अपॉन d। हाँ, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करो, पहले मत करो, कभी भी जानना। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा तो ही आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। ग्रेटर बोल रहा हूँ, इक्वल की नहीं, इक्वल रहेगा तो भी लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानना। अच्छा, अभी नहीं देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, 3 टाइप से देखो, f(x) x + a x + b x + c। हाँ, तो a अपॉन x + a + b अपॉन x + b + c अपॉन x + c। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का एक पूरा मेरा वीडियो है। हाँ, आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ भी डाउट हो वीडियो देखो, शॉर्टकट भी बहुत सारे बताए हैं, ठीक है। हाँ, देन नेक्स्ट बी f(x) अपॉन x + c तो होल स्क्वायर क्या है, a अपॉन x + a + b अपॉन x + c तो होल स्क्वायर, क्यूब रहेगा तो एक और c अपॉन x + a तो होल क्यूब भी हो जाएगा, ठीक है। यार क्योंकि आपको लॉजिक बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन का लॉजिक है, जितना पावर उतना कॉन्स्टेंट, पावर का है 2 है ना, तो 2 कॉन्स्टेंट, जितना पावर यहाँ पे और देखो 1 2 3, एक एक करना सबका सिंगल सिंगल पावर है, तो सिंगल सिंगल कॉन्स्टेंट है। देखो यहाँ पे भी अंदर स्क्वायर, ये बाहर स्क्वायर अंदर स्क्वायर में डिफरेंस है, बाहर स्क्वायर रहेगा तो ऐसा, हाँ अंदर रहेगा तो ऐसा ax + b, तो कॉन्स्टेंट 2 ही आएगा लेकिन ऐसा लगेगा क्या फॉर्म में, ax + b के फॉर्म में, ठीक है। तो गाइस, सारे के सारे मैंने टाइप डिस्कस कर लिए, आपको फिर भी कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।